हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो सबके। वेलकम टू न्यू डे एंड न्यू ब्लॉग। तो फोकस का छोड़ रहा है और के ला उल्टिमा वे केविन तू रतास बेबे वामोस अ टोमार। सो कैसे हो सबको भाई, वेलकम टू न्यू डे एंड न्यू ब्लॉग। तो कहता अच्छा भाई माने। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग द डे ऑफ क्योंकि मैं जा रहा था वर्क साइड, तो प्रॉबेबली ऐसे कुछ सीन है। प्लस मौसम जो है वेटर कुछ ऐसा हो रहा फिलहाल। तो अभी सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू डे एंड न्यू ब्लॉग। ब्लॉग तो सुबह स्टार्ट हो चुका है तो मैं कह ही हूँ। सो गाइस जो है आज का डे अच्छा खासा गया, कोई उसमें दो राय नहीं है क्योंकि बट हम लोगों को अभी जे मैंने देखा YC का जितना भी था एप्लीकेशन कैसा क्या फिल करने का वो अभी डिस्कस चल रहा है कि इस बारे में फिल करना जो कि है जाके वहाँ पर रिप्रेजेंट करने का जो कि बोला जाता है पिच इन द लैंग्वेज ऑफ स्टार्टअप। वहाँ पे जाके पिच करना पड़ेगा कैसे क्या 50 वर्ड्स के अंदर ही हमको बताना पड़ेगा, इतना शॉर्ट करके बताना पड़ेगा कि हम लोग का स्टार्टअप क्या कर रहा है और इन फ्यूचर कैसे हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं इसके साथ। और जो मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट है तो कम्प्लीटली अलग है क्योंकि भाई देखो मार्केटिंग के लिए अभी मेरा उतना माइंड सेट नहीं सेट हुआ है क्योंकि मेरा जो अभी टीम है छोटा है बट कोर टीम है, धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं हम इसके ऊपर। और जो मार्केटिंग लेवल का है मैंने जिन को दे रखा है वाला वर्क, सो मार्केटिंग प्रॉबेबली 20 से स्टार्ट हो जाएगा। सो ऐसा कुछ है सीन अभी का, सोच रहा था कि अभी 10 से गणेश मीडिया भी स्टार्ट हो रहा है तो तब से मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पिच करेंगे लोगों को जाके कि अपना जो वेजिस वाला एक तो मैं सोच रहा हूँ टी शर्ट बना लूँ वेजिस का और अपना स्टार्टअप वाला जाके पिच कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी को किसी से भी बात कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या है अपना स्टार्टअप है ना। तो अगर लोकल पब्लिक टॉक देना स्टार्ट कर दें तो हम लोग को इन फ्यूचर अच्छा खासा एक फैन बेस मिल जाएगा क्योंकि जो है फैन मतलब एक पिच करेंगे लोगों को जाके बताएंगे अपने स्टार्टअप के ऊपर और लोकल मतलब पीपल्स हैं आसपास के लोकल लोग उनको अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा ज़्यादा अच्छा क्योंकि हम लोग टायर 3 सिटी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे तो ऐसा कुछ सब चीज सॉर्टेड रहता है कि कहीं पर भी जाओ भीड़ है जाके पिच करो उनको बताओ अपना स्टार्टअप के बारे में और कैसे हम लोग फार्मर को एक लेवल अप लेके जा रहे हैं प्लस उनको अच्छा प्रॉफिट भी लेके दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ है सीन प्लस उनके नाम पे मतलब ट्रीज भी लगाए जा रहे हैं ऐसा कुछ इनिशिएटिव है अपना। तो बहुत पहले भी बोला हूँ कि पर फार्मर वी विल प्लांट 10 ट्रीज, तो ऐसा कुछ है सीन जो प्लांटिंग ट्रीज वाला रहेगा वो मैं जाके आपको दिखा दूंगा एक दिन में किसी भी जाऊँगा तो जितना भी फार्मर सेट होंगे सबसे मतलब एक एक छोटा छोटा ट्री लेंगे उन्हीं से ही लेंगे मतलब ट्री बोले जाए तो ट्री भी सही छोटा छोटा प्लांट जो रहता है ना फ्रूट प्लांट जो रहता है छोटा छोटा उनको ले जाके लगाएंगे अच्छे अच्छे जगहों पे। सो ऐसा कुछ है सीन वो तो मैं इन फ्यूचर आपको बताते ही रहूँगा कैसा क्या चल रहा है इसके बारे में। सो रहा जो वैसे को एप्लीकेशन डालने वाला बात, बेसिकली उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा रहता, 50 वर्ड में अपना एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दो कि क्या कर सकते हो आप अपना स्टार्टअप में प्लस कैसा क्या करोगे, कितना क्या टीम है, क्या बिल्ड कर रहे हो, कैसा क्या प्रोडक्ट है, किस लेवल पे आपका प्रोडक्ट। तो देखो भाई हम लोग का जो प्रोडक्ट है लेवल 1 फेज में रेडी हो चाहिए रखा हुआ प्लस जो रहा पैकेजिंग वाला काम, पैकेजिंग वाला मैं सोच रहा हूँ सेक्शन सेक्शन कर दूंगा, दो सेक्शन बना दूंगा, एक में आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा प्लस जो 100 कस्टमर रहेंगे उनको शायद तक कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है इसके रिगार्डिंग, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो क्या है मैं बता दूंगा इन फ्यूचर आपको और बहुत मज़ा आने वाला है भाई ये वाला जो बात है। इन फ्यूचर अगर हम लोग जाके अगर वर्क करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब एक पब्लिक अटेंशन जो रहता है हम लोग सीख कर सकते हैं इसके थ्रू से, अपना स्टार्टअप को समझाओ बताओ क्या है प्रॉब्लम है सुनो उनसे क्या चीज़ नहीं कर पा रहे हैं वो लोग क्या चीज़ कर पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है इसके यही सब मतलब एक फीडबैक जो रहता है फीडबैक लेने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, मैं ये जल्दी ही डालने वाला हूँ क्योंकि गणेश पूजा आने वाला है, थोड़ा गैदरिंग भी होगा अगर थर्ड फेज कोरोना का ना आए तो थोड़ा हम लोग भी जाकर पिच कर सकते हैं लोगों को क्या कर रहे हैं क्या नहीं कैसा क्या हम लोग का स्टार्टअप उनको किस तरह का मज़ा आ रहा है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, वो वाला अभी वाला जो वीडियो है मैं जल्दी डालने का ट्राई करूँगा। तो फिलहाल तो अभी जाना है मेरे को राउरकेला, कब जाऊँगा मैं जिस दिन जाऊँगा उससे पहले बता दूँगा आपको कब जा रहा हूँ, या तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है यहाँ पे जब फॉलो करूँ आपको पता चल जाएगा मैं कब जा रहा हूँ क्या जा रहा हूँ। सो या और डिस्क्रिप्शन में लास्ट में मैंने लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने लिंक नहीं दिया था बुक का, तो
अभी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने का ट्राई करूंगा भाई। देखो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को वर्क लोड रहता है तो मैं शायद भूल जाता हूँ, तो याद दिला दिया करो यार कमेंट करके, या तो मेरे को DM कर दो इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो किया तो कर लो, तो अगर वहाँ पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे जाके फॉलो करो। और बहुत मज़ा आने वाला है, साथ में जर्नी एक्सप्लोर करेंगे बहुत जगह, साथ साथ घूमेंगे और क्या। और इन फ्यूचर थोड़ा सा टी प्लांटेशन में जाने का प्लान है ईयर एंडिंग में, तो वो तो मैं आपको तभी बता दूंगा कहाँ पे जा रहे हैं, कैसे क्या जा रहे हैं, सोलो ट्रिप होगा या दोस्तों के साथ ट्रिप होगा ये मेरे को अभी तक पता नहीं है। क्योंकि भाई देखो दोस्तों के साथ लंबा प्लान बना के चलोगे तो एक टाइम पे जाके कैंसिल होने के जैसा नौबत आ जाता है, उसीलिए सडन प्लान करेंगे सडन निकल जाएंगे। सो सॉर्टेड है भाई सब कुछ। तो बहुत जन बोल रहे थे भाई वीडियोस में व्यू नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो भाई सुनो अभी जो है हम लोग स्टार्टिंग फेज में, और मैं यूट्यूब जस्ट मजा के लिए आता हूँ, आप लोगों को थोड़ा ज्ञान देने के लिए आता हूँ क्या चीज़ मेरा चल रहा है स्टार्टअप में, इसके चक्कर में आता हूँ। सो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है फॉलोअर्स व्यूज़ ये सब गेन करने का, मैं भाई देखो सीधा स्ट्रेट माइंडेड बन रहा हूँ, सीधा मेरे को जो मैं दिन भर करता हूँ मैं वही आकर रात को बोल देता हूँ यूट्यूब में, तो ऐसा कुछ रहता है मेरा सीन। और सब्सक्राइबर जितने भी हैं मेरे लोग सब्सक्राइबर हैं, मेरे को अच्छा व्यूज़ आ जाता है भाई सब चीज़ में, तो मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा वाली प्रॉब्लम है लाइक और शेयर नहीं करते, लाइक और शेयर कर दिया करो ताकि रीच बढ़ जाए अपना और बहुत जन देखें। क्योंकि देखो भाई अपने को सब्सक्राइबर काउंट ये सब से अपन बहुत दूर आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग को जो है हम लोग को बंदों को ज्ञान देना, जो भी स्टार्टअप कर रहा है उनको भी ज्ञान देना है कि कैसा क्या आप करके स्टार्टअप ग्रो कर सकते हो, क्या स्टार्टिंग में फेज में आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ डोमेन को खरीद लो और उसका मार्केटिंग करो, प्लस अपना एक प्रोडक्ट पहला लेवल तो बना दो, अगर जिसको जिसको फंडिंग चाहिए तो भाई एक लेवल वन प्रोडक्ट आपको चाहिए ही चाहिए, ताकि आपको जाके वहाँ पे पिच करने में आसानी हो जाए, उन लोग पूछेंगे प्रोडक्ट किस लेवल पे है कैसा क्या है, आप जाके वहाँ पे दिखा सको, एक प्रोडक्ट का डेमो भी लेके जाओ दिखा सको, जहाँ तो YC VC IPO एंजल कुछ भी मिले आपको। सो ऐसा ही कुछ है, तो ऐसा कुछ रहता है अपने ज़िंदगी जो है। और फिलहाल तो अभी हम लोग वो एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं, कैसा क्या लिखना है क्या करना है क्या कैसा है, भाई ज़्यादा हम लोग का जो है वो सॉर्टेड है, हम लोग एक लेवल अप कर रहे हैं हर फार्मर को, उनको वर्ल्ड वाइड एक तो बेस दे रहे हैं, कस्टमर बेस दे रहे हैं जहाँ के हम लोग सेल कर सकते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर जो रिटेलर और होलसेलर का क्रॉस कटिंग करके हमको उन लोग को एक लेवल अप दे रहे हैं, क्योंकि उन लोग डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट हो सकते हैं, कस्टमर जो भी बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, उनके कुछ भी प्रोडक्ट फीडबैक हुआ कुछ भी हुआ आप हम लोग का टीम 24x7 अवेलेबल है, कभी भी मेरा नंबर है मेरा वेबसाइट में जाके वहाँ पे कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट जो है मेरा टीम कोई भी उठाएंगे तो आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो क्या है क्या नहीं आप समझ सकते हो डायरेक्ट। और प्रोडक्ट का ऑथेंटिसिटी जो रहता है, मैं भाई प्रोडक्ट में एक QR स्कैनर डाल दूंगा, कैसा क्या प्रोडक्ट बनता है वो स्कैन करोगे तो डायरेक्ट एक वीडियो लिंक आ जाएगा, आप जाके देख सकते हो वाला वीडियो, वो जो वीडियो रहेगा वो ऑर्गी वेज वाला चैनल में मैं डालूंगा, रिसेंटली मैं बनाने वाला हूँ ऑर्गी वेज का भी एक चैनल या फिर वेजिस नाम से बना दूँ मैं, नो वन नोस। सो मेरे को अपडेट देते रहूँगा मैं, फॉलो कर लो मेरा दोनों जो इंस्टाग्राम है, मेरा एक ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरा कंपनी इंस्टाग्राम हैंडल है जो है वेजिस, वेजिस में दो डोमेन वर्क करते हैं, एक होता है sabzilelo.com और एक है orgivage.com, तो ये दोनों है कौन क्या 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 करता है। सो ये जो डोमेन है ये वाला पर्टिकुलरली ये वाला है अपना जो रिटेलिंग है और जो होलसेलर क्रॉस कटिंग जो कि कस्टमर और फार्मर को डायरेक्ट जोड़ता है, प्लस ये वाला जो है ये वाला रिटेलिंग और होलसेलिंग लोगों के लिए जो कि रिटेल और होलसेल कर सकते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक रिजनेबल प्राइस में, तो ये दोनों हैं आप जाके यहाँ से कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर लोकल सेंटर मतलब मॉल ऐसे कर टाइप से कोई भी देख रहा है तो हम लोग को एक उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होता है डायरेक्ट उन लोग अपना सेक्शन लगा के सेल कर सकते हैं, और प्लस जो कस्टमर सपोर्ट रहेगा हम लोग की तरफ से रहेगा 24x7, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ऐसा कुछ है हम लोग का जो प्लान था, और आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा काम भी करना है, सो चलते हैं अपन। विद दैट सेड अंकित वर्मा साइनिंग ऑफ, प्लीज।